दोस्तों, अगर आपके भी जो है मोबाइल में ये वाली प्रॉब्लम आ रही कि आप लोग जब भी किसी को भी कॉल कर रहे हो तो कॉल लग ही नहीं रहा, कॉल कट जाता है बार बार, या फिर इस तरीके से आ रहा है सर्वर अनरीचेबल, और यहाँ पर जो है लिखा हुआ आ रहा है कॉल टर्मिनेटेड ड्यू टू ए प्रॉब्लम विद द नेटवर्क, तो अगर आपको भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है और कॉल लग नहीं रहा तो आप लोग कैसे इसको ठीक कर सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है आप लोग पूरा देखना, तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वो आपको मैं आपको जो जो बताऊँ वो आपको करना है, तो आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी। तो आपको जो है सबसे पहले आपको आपका फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। आपको क्या करना है, आपके फ़ोन पावर बटन दबाना है और आपके फ़ोन को एक बार जो है यहाँ पर या तो स्विच ऑफ कर लेना या फिर रीस्टार्ट कर लेना। तो एक बार रीस्टार्ट कर लेना, रीस्टार्ट करने के बाद आपको जो अपने फ़ोन को ऑन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर जो डायलर होता है जिसे हम कॉल करते हैं उस पर आपको ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है, ऐसे दबा के रखना है। जैसे आप लोग दबा के रखोगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से आएगा, या फिर जो है ऐप इन्फो लिखा हुआ आएगा, तो ऐप इन्फो लिखा हुआ था तो उस पर क्लिक करना है, या फिर इस तरीके से सर्कल दिखता तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, देन आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर दिखाई देगा फोर्स स्टॉप, तो आपको फोर्स स्टॉप पर आपको क्लिक करके फोर्स स्टॉप करना है, देन स्टोरेज में जाना है, स्टोरेज यूजेस, और इसका डाटा आपको क्लियर कर देना है। तो आपको ये काम यहाँ पर जो करना है, तो अब इतना कर लोगे देना आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, मैं आपको जो जो बताऊँ वो आपको करते रहना है, तो आपकी प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगी। तो ये जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब यहाँ पर जो है नेटवर्क अनरीचेबल कुछ इस तरीके से दिखा रहा था, तो आपको क्या करना है, ये हो सकता है आपकी नेटवर्क जो मोबाइल की नेटवर्क है उसमें कोई छेड़छाड़ी हो गई हो कोई, या फिर आपने कोई सेटिंग वगैरह छेड़ दी हो तो उसकी वजह से ये आ रहा हो। तो आपको क्या करना है, आपको आपकी मोबाइल की जो सेटिंग्स है उसमें भी आपको आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे तो एडिशनल सेटिंग्स के नाम से, तो एडिशनल सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है, देन आपको सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो जो भी सेटिंग आपको यहाँ पर नहीं मिलती है वो भी मैं आपको लास्ट बताऊँगा कहाँ पर मिलेगी। देन आपको नीचे दिखाई देगा एक ऑप्शन है, यहाँ नीचे आप ऊपर बैकअप एंड रीसेट का, इस पर आपको क्लिक करना है, देन आपको दिखाई देगा रीसेट फोन, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, तो इस पर आपको क्लिक करके आपको आपके नेटवर्क जो सेटिंग है वो रीसेट कर देनी है। तो आपको क्या करना है, अगर पासवर्ड मांगेंगे तो आपको पासवर्ड डाल के रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पर आपको क्लिक करके आपकी नेटवर्क सेटिंग जो है वो आपको जो है रीसेट कर लेनी है। तो आपकी नेटवर्क सेटिंग जो है रीसेट हो जाएगी, तो आपको आपकी जो भी अगर आपके फ़ोन में कोई सेटिंग आपने छेड़ दी होगी नेटवर्क सेटिंग, तो वो जो फिक्स हो जाएगी, तो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको आपकी नेटवर्क सेटिंग को जो है रीसेट कर लेना है। अब बात करते हैं, अगर आपको ये वाली सेटिंग यहाँ पर नहीं मिलती है सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग्स में, तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर एक ऑप्शन, क्योंकि आपका फ़ोन अदर कंपनी का भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर लिखना है नेटवर्क सेटिंग, नेटवर्क, आप लोग जैसे नेटवर्क लिखोगे इतने में यहाँ पर जो आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर नेटवर्क लिखोगे तो आपके लोग यहाँ पर आ जाएगा नेटवर्क रीसेट नेटवर्क सेटिंग ये वाली, तो आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट इसको रीसेट कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से जो है नेटवर्क सेटिंग रीसेट कर लेनी है। अब आपका फ़ोन की जो सेटिंग है वो जैसी हो जाएगी, जैसे आपने आपका फ़ोन नया खरीदा था उस टाइम पर जो सेटिंग थी वैसी की वैसी हो गई, तब आप लोग इजीली, अब आप लोग किसी को कॉल करोगे तो आपकी अब जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप लोग इजीली किसी को भी कॉल कर पाओगे। तो दोस्तों जाओ जाकर जो है ट्राई करो, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग जो है इस प्रॉब्लम को जो है ठीक कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करना और आपको आप लोग कहाँ कहाँ से हो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता देना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, जय भारत।